सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज है 1 तारीख, यानी 1 अप्रैल हो गया, और सच में इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। फ़ैन चल रहा होगा, उसकी आवाज़ आ रही होगी, मैनेज कीजिएगा। और आज है मेरे पापा जी का ऑपरेशन, यानी कि इससे पहले भी हुआ था, तब 2 वाल पड़े थे, अभी और ब्लॉकेज रह गई हैं 2। तो जो है अब जो है आज जो है उनका ऑपरेशन है, तो जो 2 ब्लॉकेज रह गई है ना, वो जो है ऑपरेशन होगा। तो हम जो है निकल रहे हैं अब मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि पापा जो है सुबह 8 बजे जो है मेडिकल कॉलेज के लिए निकल गए थे। और बस अल्लाह ताला से आप सब दुआ कीजिएगा पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन छोटा हो चाहे बड़ा, इंसान डरता तो है ही है। और फिर ये हार्ट का ऑपरेशन है, तो हमको तो भाई ऑपरेशन से, दवा से, इंजेक्शन से, डॉक्टर से बहुत डर लगती है। और ज़िया जो है लैलतुल कद्र की रात जाग के आए हैं मस्जिद से, इस वजह से बेखबर अभी सो रहे हैं। तो आज जो है मस्जिद में हमारे यहाँ जो है इफ्तार की दावत है, यानी खाने का भी अहतमाम किया गया है। तो ज़िया पूरी रात वहीं पर थे, लैलतुल कद्र जाग रहे थे, नफिल नमाज़ें पढ़ रहे थे। अब अभी तुमसे बात नहीं हुई है क्या पढ़ा इन्होंने क्या नहीं, और सुबह की जो रूटीन होती है वो जो है स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मॉपिंग हो रही है और बर्तन वगैरह धुल गए ना, सब काम हो गए हैं, बस मॉपिंग हो रही है और आपको दिखा रही मेरे यहाँ का वेदर कितना अच्छा है। हवा जो है ना बहुत ज़बरदस्त वाली चल रही है, बहुत अच्छी वाली है। आप देखें कर्टन उड़ रहे हैं ना, और है भैया हुक्म आया है, हुक्म मानना पड़ेगा, पैर हटाइए। तो ऐसा है, इसको जो है हवा कह लीजिए या कह लीजिए लू, क्योंकि दोपहर में धूप इतनी तेज़ होती है ना, ये हवा जो है लू में तब्दील हो जाती है। और अब बच्चों को और बूढ़ों को बचने की ज़रूरत है, हमने कहा चलो। और मेरा वाईफाई ख़राब पड़ा है, वरना आपको डेली ब्लॉग्स मिलते। आज 3रा दिन है जो है ये वाईफाई ख़राब हुए, वाईफाई इसलिए ख़राब हो गया कि मेरा जो एसी है वो वर्क नहीं कर रहा था, उसकी सर्विस होनी थी। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, उन्होंने एसी बनाने की खुद से ही सर्विस करने के चक्कर में वाईफाई को वहीं उसी के नीचे जो है लटका हुआ था, और उन्होंने जो है इसमें क्या हिल गया डुल गया क्या हो गया, अल्लाह बेहतर जाने। अब कंप्लेन की है तो आज का बोला है कि सही हो जाएगा, सारे ब्लॉग सब लेट लपाट हो जाएंगे इस चक्कर में। देखिए अभी तो एसी वाले आ रहे हैं, क्योंकि एसी में गैस पड़नी है, कल उन्होंने सर्विस वगैरह कर दी थी, लेकिन उसकी गैस कैसे लीक होगी, जबकि अभी पिछले ही गर्मी में हम लोगों ने जो है गैस फिल कराई थी उसके अंदर। और वहाँ वाले घर में भी एसी की सर्विस करनी है, जो मेरा पुराना वाला घर है, मेरा कमरा बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ लाइट्स बहुत, यहाँ लाइट इतनी जाती कि हम लोगों ने यही सोचा है कि अगर ऐसी ही लाइट जाएगी तो हम लोग रात में खाना खा के जो है ना फिर वो वाले घर चले जाया करेंगे रात में सोने के लिए। देखिए क्या होता है, कैसी सारी चीज़ें रहती, गर्मी कैसे गुजरती, क्योंकि भैया ये गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी। चलिए फिर चलते हैं, देर हो रही है, क्योंकि जाना भी है फिर आना भी है, आसान काम नहीं है। तो जैसे ही लखनऊ पहुँचे फिर हमने कहा लो पापा को फ़ोन कर लें, देखें पापा का ऑपरेशन का क्या मामला चल रहा है। लेकिन आधार कार्ड का अप्रूवल नहीं आया था, इस वजह से डॉक्टर ने डिले कर दिया था, कहा ट्यूसडे को होगा, मंडे को ऑपरेशन नहीं होगा। और पापा ने अपने पास आने से मना भी कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एक ही लोग रुक सकते थे, 2 लोग नहीं जा सकते थे, मतलब किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। तो फिर पापा ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, तुम जो है घर जाओ। तो हमने कहा मेडिकल कॉलेज तक आ करके, और चौक करीब में है, तो लॉ ईद की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई कर लेते हैं। तो फिर फटाफट से स्लीपर ली अपनी लिए, मम्मी के लिए, बहू के लिए, स्टॉल लिया। बस हमें यहाँ बाज़ार में तकरीबन आधे घंटे से, आप 5 मिनट और जोड़ लीजिए, 35 मिनट्स लगे, और फटाफट से अपना काम किया और घर आ गए। और घर आए तो देखा सारे परिंदों में, चिड़ियों में इस कदर लड़ाई हो रही थी। फिर हमने अपने भतीजे को फ़ोन किया, उसका हमने कहा इसको उठा कर परिंदों को ले जाओ। आज जो है इनका आखिरी दिन है मेरे घर से, इसलिए इनका ये आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो। ले जाओ, ये लोग लड़ाई बहुत कर रहे हैं आपस में, जैसा होगा उसको बेचपास के किनारे कर देना, बदतमीज़ को बहुत लड़ाई हो गई। सोच हम लोग जा रहे हैं,
रेशमा नहीं देखेंगी ना, नहीं तो रोने लगेंगी। जाओ अच्छा, अल्लाह हाफिज। साइकिल कहाँ है? हाँ ठीक, हम सोचे बाहर खड़ी कर दिए, नहीं कोई लेकर चला जाता। और देखना अगर जैसे नहीं बिकेगी तो हुज़ैफ़ा नवाज को दूर रखना, पिंजरे से नहीं खोल दे उड़ जाए। एक लोग साइकिल निकालो बाहर, और पानी अगर छलक जाएगा ना तो फिर डाल देना पानी। जाओ ले जाओ भैया। बंद कर लो गेट। खुदा हाफिज। तो भैया चले गए, लोग बहुत लड़ाई कर रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। जाओ परिंदे चले गए, और सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि इतने दिनों से पले हुए थे, और जो चीज़ पालो उनसे मोहब्बत हो ही जाती है। तो अब रोज़ अफ्तार का वक्त हो चला है। तो ये ब्लॉग बहुत छोटा सा था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। पापा की जो कंडीशन है वो आप से छुपी नहीं है, तो इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो रहे। तो रोज़े और नमाज से फारिग होने के बाद आप देख रहे हैं इतना सारा सामान फैला पड़ा है। ये ईदी है मेरी दोनों बहनों की जो हमने इकट्ठा की है, बस अब इसे हम लोग पैक करेंगे और फिर नेक्स्ट डे जो है इसे ईदी को, इस ईदी को पहुंचाना है बहनों तक, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा काम है और ईद भी अब करीब है। और हम लोगों ने सारा सामान जो है सेट कर दिया है, लगा दिया है भेजने वाला, और इसका ब्लॉग आपको अलग से मिलेगा बहुत जल्दी। और उसके बाद 10 बज रहे थे, भूख लग रही थी, तो अरवी और मटन बना था, साथ में जो है बिरयानी बनी थी। और अब हम सब खाना खाएंगे, इस ब्लॉग को भी ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।